ईसु धन्यवाद, ईसु धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जयजयकार हो जयजयकार हो जयजयकार हो, हालेलुया हालेलुया, जयजयकार हो मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान ओ प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार पिता, मेरे मन के स्वामी, आज मैं यीशु मसीह के नाम से पिता आज की सुबह के बेला में ओ प्रभु जी मॉर्निंग प्रेयर में, उपवास मीटिंग में जितने जन आज प्रभु जी भोर के तड़के और प्रभु जी इस दुख भरे जीवन को जी रहे हैं पिता, प्रभु जी और इस दुख भरे जीवन को जी रहे पिता, प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करता हूँ, कई ऐसे मसीह भाई बहने पिता उपवास मीटिंग रखे हैं पिता, उपवास के साथ प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, आज जितने प्रभु जी समर्पण के साथ विश्वास के साथ प्रभु जितने बैठे हुए हैं पिता तेरे पास में तेरे नजदीक में पिता, ओ सबकी प्रार्थना को और सबके प्रभु जी, ओ प्रभु जी जो जो इच्छा है उनके मनोरथ है पिता आज इस मसीह के नाम से पूरा करना पिता, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन प्रभु हर इच्छा अलग अलग, हर प्रभु जी उनके मन और हर इच्छा उनकी जरूरत अलग अलग होता है प्रभु जी, इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, ओ जीवित परमेश्वर पिता हालेलुया, सहायता करने वाले वो मदद करने वाले मेरे प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे पास में आज बैठे हैं पिता, उनके हर एक इच्छा और उनके हर एक मनोरथों को आज इस मसीह के नाम से पूरा करना पिता, ओ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ओ चाहे कोई भी इस प्रार्थना को कर रहा है या सुन रहा है प्रभु जी, अगर उसका फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, ओ फास्टिंग प्रेयर चल रहा है ओ प्रभु जी, अगर आज वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन में जो है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो जाए, वो चाहता है कि मेरे जीवन में बड़े अद्भुत काम हो, लेकिन प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ उनके मन को पहले करो पिता, उनके दिल को शुद्ध करो और पिता उनके मन के स्वार्थ को प्रभु जी आप दूर कीजिए पिता, और उनके मन में शुद्ध हृदय शुद्ध मन दीजिए पिता, निष्कपट मन और निस्वार्थ मन दीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता वो मसीह भाई बहन प्रभु तेरी ओर से जो इच्छा के साथ आए हैं, जो इच्छा वो प्रभु जी आज उपवास प्रार्थना में वो मांग रहे हैं समर्पण के साथ प्रभु जी, हर एक जन की इच्छा और हर एक जन के मनोरथों को आज पूरा करना प्रभु जी, क्योंकि हम परमेश्वर पिता इस सृष्टि के बनाए हुए इस सृष्टि के सृजनहार प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु तेरे बेटा और बेटी जितने प्रभु एक आशा और विश्वास के साथ तेरे पास में बैठे हुए प्रभु जी, ओ सब जन प्रभु जी तेरे ओर से बड़ी आशीष को पाने पाए पिता, हर एक जन उद्धार और चंगाई छुटकारा बरकत पाने पाए प्रभु जी, ओ मेरे राजाओं के राजा ओ प्रभुओं के प्रभु मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ओ धन्यवाद 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 यीशु राजा धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके एक एक प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके एक एक उपकारों के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद, सभी मसीह में धन्यवाद करें, कुछ क्षण धन्यवाद करो उसको, तब परमेश्वर से पुकारो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी इच्छा आपके मनोरथों को आज इस मसीह जो है पूरा करने वाला है, क्योंकि हम इस पृथ्वी में जो है भले काम के लिए सृजे गए हैं, भले काम के लिए परमेश्वर यहोवा ने हमको बनाया है, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो हमारे जो है भलाई का काम परमेश्वर को प्रसन्न होगा, हम जो भलाई का काम करते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, हमारे जो है काम हमारे जो है बोलना उठना बैठना चलना फिरना सारी चीज परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा और हमारी प्रार्थना को वो सुनेगा और हम जो मांगेंगे परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमको देगा। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ और वो छत्तीसगढ़ वाले बहन के लिए जिन्होंने जो है अपने जो है गरीबी और कंगाली जो है और दरिद्रता उनके जीवन में पड़ी हुई है, प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में प्रभु जी, आज भले ही प्रभु जी हम उनके परिवार में जाकर दुआ नहीं कर पाते, उनके परिवार में हम उनको टच नहीं कर सकते, उनको छू नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर पिता आज तेरे सामर्थ्य उस गाँव में उस जहाँ से भी वो बहन इस प्रार्थना को सुन रही है सबके परिवार में सबके घर में आज हमारी टूटी फूटी प्रार्थना उनके परिवार में पहुंचने पाए पिता, क्योंकि परमेश्वर जो है दिल को देखता है मन को देखता है, गोरा है काला है मोटा है पतला उसको नहीं देखता, अगर आप जो है घमंड से भरी आपकी आंखें हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनेगा, परमेश्वर को मेरे प्रियो परमेश्वर को तो मेरे प्रियो नम्र लोग पसंद हैं, नम्र लोग अगर परमेश्वर के पास में आएंगे तो परमेश्वर सचमुच में उसकी प्रार्थना को सुनेगा,
सुनेगा, नम्र लोगों की प्रार्थना सुनेगा। आप कौन सी भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी सभी भाषाओं को परमेश्वर यहोवा जानता है। इसलिए आज मैं कहता हूँ मेरे प्रभु, आप जैसे भी प्रार्थना कर रहे हो, आपकी टूटी फूटी प्रार्थना परमेश्वर को जो है ग्रहण योग्य होगा। आपको जो है जैसे प्रार्थना करते बनता है वैसे ही आपको प्रार्थना करना है। आपको कभी नहीं कहना है कि मेरे को प्रार्थना करते नहीं बनता, मेरे को संगति में जाते नहीं बनता, मेरे को वचन पढ़ते नहीं बनता, मेरे को आराधना करते नहीं बनता, मेरे को जो है परमेश्वर के वचन जो है जब पढ़ता हूँ तो मेरे को कपकपी आती है, मैं डरता हूँ, कई प्रकार की ऐसी बातें हैं। तो मेरे प्रभु अभी भी आप अंधकार में जो है फड़े हुए हैं, अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं। इसलिए आज मैं कहता हूँ अगर आप परमेश्वर की ओर से आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की अपने इच्छा और मनोरथों को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपके दिल और मन को आपको साफ करना है, आपके मन को हृदय को बदलना है। जो थरथरी और जो कपकपी लाता है वो शैतान की ओर से मेरे प्रभु, वो उसको कहना है हटना, उसको हटाना है और शैतान के कामों को नष्ट करना है और परमेश्वर की ओर से एक बड़ी आशीष को पाना है। हालेलुया, यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा सहायता और मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता। आज भोर के तड़के जितने प्रभु जी तेरे पास में बैठे सब जन प्रभु जी आज तेरी ओर से बड़ी आशीष को पाने पाए पिता, वो बड़े अनुग्रह को देखने पाए पिता, वो तेरी ओर से बड़ी उद्धार और चंगाई और छुटकारा को पाने पाए पिता। जिस प्रकार आकाश में पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले सब जो है आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो मेरे प्रियो हम सब जितने प्रभु तेरे पास में हैं सभी लोग प्रभु जी तेरी आराधना प्रार्थना करने पाए, तेरी संगति करने पाए और तेरी स्तुति करने पाए, तेरी बड़ाई करने पाए और तेरे पीछे चलने पाए प्रभु जी, और तेरी हर एक इच्छा को हम पूरा करने वाले हो जाए पिता। क्योंकि हम इस पृथ्वी में प्रभु जी भले काम के लिए सृजे गए हैं, हमारा ये प्रभु जी सृजनहार परमेश्वर पिता, हमारा जीवन ये कुछ ही क्षण का है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता इस कुछ ही क्षण में पिता हम प्रभु जी तेरे ओर से परमेश्वर पिता एक आशीष को देखना चाहते हैं, एक बरकत को देखना चाहते हैं, एक अनुग्रह को देखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता हमारी सहायता और मदद करना, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता जाति जाति के लोग हर एक अंधकार से निकल कर प्रभु तेरी ज्योति में चमकने पाए पिता, अंधकार से निकल कर प्रभु तेरे मार्ग में चलने पाए, अंधकार से निकल कर प्रभु तेरे पास में घुटने टेकने पाए प्रभु जी, और पिता बड़े बदलाव को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से छूकर टच करना, उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को आज यीशु मसीह के नाम से निकालना, ताकि परमेश्वर पिता जितने आज प्रभु तेरे पास में, तेरे निकट में बैठे हैं सबकी प्रभु जी जरूरत और आवश्यकताओं को आज पूरा करना प्रभु जी। हालेलुया, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज यीशु मसीह सहायता करने वाला है, आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है, वो जीवित परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आपको मेरे प्रभु जो इच्छा है, जो मर्जी है, आप मेरे प्रभु उसी के लिए आप फास्टिंग प्रेयर रह रहे हो, उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उसी के लिए आप जो है मांग रहे हो, तो मेरे प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह आपको देगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और आपको मेरे प्रभु हर एक प्रकार के बातों से, हर एक प्रकार की समस्याओं से वो परमेश्वर जो है निकाल कर आपको जो है सारे परेशानियों से जो है आपको निकाल कर आजाद करेगा, और वो परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। हालेलुया, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के पास में आए हैं, जीवित परमेश्वर के साथ में आए हैं, कि हमको जो है एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ हमको कुछ मिले करके। हालेलुया, इसलिए आज मैं कहता हूँ मेरे प्रिय मसीह, जितने आज परमेश्वर के पास में, जितने प्रभु यीशु मसीह के पास में निकट में आप बैठे हुए हैं, सबको परमेश्वर वो छुएगा, सबको परमेश्वर वो टच करेगा, हमारे जरूरतों को, हमारे आवश्यकताओं को वो परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया हालेलुया, यस यस यस, मेरे जीवित परमेश्वर पिता सहायता करो, मदद करो, यीशु मसीह छू लो पिता, यीशु मसीह आज टच करो हर एक जन की परिस्थिति को, हर एक जन की समस्याओं को, हर एक जन के दुखों को, हर एक जन की मुसीबतों को आज यीशु मसीह आज दूर करना, ताकि परमेश्वर पिता जितने प्रभु तेरे पास में हैं प्रभु आज सब लोग प्रभु परमेश्वर पिता तेरी ओर से बड़ी आशीष को पाने पाए, तेरी ओर से एक बड़े बरकत को पाने पाए। उद्धारकर्ता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उनको छू लेना, उनको टच करना, हर एक समस्या, हर एक मुसीबत, हर एक प्रकार की चिंता, दुख और तकलीफ आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाने पाए पिता। प्रभु आप सहायता और मदद करना, और हर एक जन के जरूरतों को आज पूरा करके प्रभु जी, उनके इच्छाओं को और उनकी मर्जियों को आज पूरा करने वाला प्रभु जी तू सहायता करना, तू मदद करना, और उनकी प्रभु जी हर एक परेशानियों को दूर करना प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा सहायता करना, पवित्र आत्मा मदद करना, आज हर एक जन की मनोरथों को आज परमेश्वर पूरा करने वाला है। आज विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनो, विश्वास के साथ बोलो, परमेश्वर आपकी सपोर्ट करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा, क्योंकि विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहते हैं, पौलुस कहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन और भी कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अगर आप फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास रख रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए, मेरे प्रियो आज प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन में आपके वचनों को अधिकाई से बसने दो,
ताकि जो वचन के द्वारा सामर्थ्य मिलता है, जो वचन के द्वारा ताकत मिलता है, उससे जो है मेरे जीवन की भलाई हो, उससे जो मैं इच्छा मेरी इच्छा मर्जी पूरा होने पाए, उससे जो है मेरी जरूरत पूरा होने पाए। हालेलुया, प्रभु आपको सचमुच में देगा और वायदों का पक्का परमेश्वर है, आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो आपको तन और मन से परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद का वो बलिदान चढ़ाना है, तभी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर है वो छुएगा और टच करेगा, आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। हालेलुया, मेरे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सहायता करो, मदद करो और हर एक जन की परेशानियों को, हर एक जन की दिक्कतों को आज प्रभु जी दूर करना, और प्रभु जी हर एक जन की परेशानियों को दूर करके पिता उनकी सहायता और मदद करना। प्रभु जी यीशु मसीह छू लेना, यीशु मसीह टच करना और उनकी परेशानियों को प्रभु जी आज दूर करना। प्रभु जी आपका धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए और दुआ सुनने के लिए पिता, हमारी सारी प्रार्थना को, हमारे सारे निवेदनों को आपने सुना है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आज की भोर के बेला में उनकी प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनना और दिन में अगुवाई करना, और जो भी जरूरत है, जो भी प्रभु जी उनकी इच्छा है, मर्जी है, आज पूरा करना। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन।